मैक्सिमम जो ईयरबड्स होता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो है, मान लीजिए आपका जो ये ईयरबड्स चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसमें जो बड्स है वो चार्ज नहीं हो रहा है, या इसमें से एक बड्स जो है गुम हो गया है, तो आप इसे क्या करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी एक जो है ईयरबड्स नहीं है, इसमें से एक जो है खो गया है, दूसरा है, और ये चालू भी नहीं हो रहा है और ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम इस ईयरबड्स में देखने को मिलता है। इस तरह का ईयर जितना भी ईयरबड्स होता है, मान लीजिए रियलमी का हो, जो भी हो, छोटा सा हो, इस तरह से लंबा सा ईयरबड्स हो, जितना भी आपका ईयरबड्स होता है, प्रॉब्लम जो है वो सेम है। ठीक है, किसी में चार्जर जो है टाइप सी होता है, किसी में जो है माइक्रो यूएसबी होता है। चार्जिंग का जो देख सकते हैं सैम्बल जो है वो सेम होता है, चार्जिंग जो है अप डाउन होता है, तो ठीक है ये कॉमन है। तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो है ये वाला जो बड्स है ये चार्ज नहीं होता, यहाँ पे जो है ये वाला इसके अंदर जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होता, कभी कभी ये काम नहीं करता, तो इस तरह से ऑन ऑफ भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर इस तरह का बड्स हो, किसी भी तरह का, किसी भी साइज़ का हो, छोटा हो, जो गोल वाला होता है जो कान के अंदर जो पूरी तरह फिक्स हो जाता है, उसमें भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है। तो पहले सिंपल सा देख सकते हैं ये रहा बड्स, ये बड्स जो है इसे चार्ज करने के लिए नॉर्मल सा आपका यहाँ पे जो बैटरी है उससे ये चार्ज होता है, और ये जो बैटरी है ये आपका यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट से चार्ज होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका दो पिन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दो पिन है, दो पिन को आपको पहले साफ़ करना है। तो आप कोई भी नुकीला जो सुई है या इस तरह का जो देख सकते हैं आपका जो ट्वीज़र है, ट्वीज़र लीजिए। लेने के बाद यहाँ पे आप अच्छे से इसे साफ़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन यूज़ करने से यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑयल और कार्बन जो है जमा हो जाता है, तो इसे आपको अच्छे से साफ़ करना है। ठीक है, मेरा जो पहले का एक वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है कि आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, उसमें मैंने रियलमी बड्स क्यू का जो है आपको दिखाया है कि उसे कैसे क्लीन करना है, उसमें जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है। और देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे आज ये वाला बड्स लाया है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको क्लीन करना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्लीन करने से आपका जो है कुछ काम बन जाएगा, मतलब चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन होने से ये थोड़ा सा चमकेगा, तो ये वाला क्लीन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको एक बड्स लेना है, तो इस तरह का आपको बड्स लेना है। ठीक है, जो कान साफ करते हैं तो इसे अंदर लगाना है, तो इसके अंदर दो पिन होता है, इसके अंदर दो पिन होता है, तो यहाँ पे दो पिन को आपको अच्छे से जो है साफ़ करना है। ठीक है, दोनों पिन साफ़ करने से तो ये दोनों का कांटेक्ट जो है अच्छे से हो जाता है, तो आपको यहाँ पे दोनों जो पिन है उसे साफ़ करना है। ठीक है, तो साफ़ करते ही आपका यहाँ पे कांटेक्ट बन जाएगा, तो ये चार्ज होने लगेगा। पहली बात तो ये है, आपको दोनों पिन ही साफ़ करना है, यहाँ पे ऊपर वाला जो पिन है सिंपल सा, और वहाँ अंदर जो है नीचे वाला पिन, वो उसे भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बड्स लगा दिया, क्लीन कर दिया। ठीक है, फिर भी मान लीजिए ये चालू नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सब कुछ आपने कर लिया, क्लीन कर लिया, ठीक है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, तो ये सिंपल सा आपको यहाँ पे रखना है, कुछ देर देखना है कि ये ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी का बड्स है वो ऐसे खोलते ही ऑन हो जाता है और ऐसे करते ही ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये चार्ज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर चार्जर लगाने पर यहाँ पे इसे फुल चार्ज होना चाहिए वा या थोड़ा सा चार्ज होना चाहिए। ठीक है, फिर भी यहाँ पे ये जो है इसका केस जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार्ज देने पर, थोड़ा सा चार्ज देने पर ये काम करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो इसे साइड में रख देते हैं। तो इसे हम आज ओपन करेंगे। ठीक है, जितना भी बर्ड्स है उसे ओपन करने का जो तरीका है वो सेम ही है। हाँ, थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ होता है तो आपको उसे हटाना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो देख सकते हैं साइड है, जितना भी बर्ड्स होगा उसके साइड में देख सकते हैं इस तरह का एज होगा, तो यहाँ पे आपको एक जो है इस तरह का जो देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसे आपको लेना होगा, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दबा के इसका जो बॉडी है इसे ऊपर उठाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका सर्किट जो है इसके नीचे रहता है। तो देखिए ये पूरा सा जो है आपका ऊपर का जो देख सकते हैं ढक्कन है, मतलब इसका जो केस है, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा हिला के जो है बाहर निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों ये रहा इसका सर्किट, तो ये जो है ये ओरिजिनल देख सकते हैं हमारा बोट का है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सर्किट लगा हुआ होता है, और ये जो है ये भी हमारा डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। तो पहले हम चेक करेंगे दोस्तों बैटरी, देख सकते हैं बैटरी का जो हालत है बहुत ही ख़राब है। तो ये रहा हमारा, देख सकते हैं बैटरी यहाँ से फट चुका है, अंदर ही अंदर इसका बैटरी जो है फट चुका है, और ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा फूल गया है। ठीक है, तो इसे आपको पहले
यहाँ से रिमूव करना है। नीचे देख सकते हैं एक बोथ साइड टेप लगा हुआ होता है, तो देख सकते हैं ये रहा हमारा सर्किट और ये भी हमारा डिवाइस के साथ जो है फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है और इसका बड्स भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है वो है वायर का छूट जाना। तो यहाँ पे देखिए बैटरी का जो वायर है वो यहाँ से छूट गया है, मतलब यहाँ से जो डिसोल्डर हो चुका है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे तो छूट गया है, फिर से यहाँ पे देखिए ये बैटरी जो है पूरा ख़राब है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये बैटरी यहाँ से पूरा फट चुका है, तो इसमें से कुछ निकल भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका बैटरी भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ से धीरे से उठाना है क्योंकि ये बैटरी फूला हुआ भी रह सकता है, तो इसे आपको उठाना है और यहाँ पर देखना है बैटरी में चार्ज है कि नहीं। तो पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बैटरी सोल्डर किया हुआ था, तो यहाँ पे एक सोल्डर किया हुआ है, तो यहाँ पे बैटरी को आपको यहाँ पे डिसकनेक्ट करना है। ठीक है, तो बैटरी का वायर डिसोल्डर करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है बैटरी में 3.7 वोल्ट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर को जो है यहाँ पे रखना है, तो 20 वोल्ट डीसी पे मैंने रखा है। उसके बाद बैटरी का जो पावर है उसे चेक करेंगे कि बैटरी में आपका जो 3.7 वोल्ट होता है जिससे हमारा ये दिखता है कितना वोल्टेज है, तो ये है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे भी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम जो वोल्टेज है वो 3.7 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2.72 वोल्टेज है। तो बड्स का जो बैटरी है वो बहुत ही ख़राब अवस्था में है, तो देख सकते हैं ये यहाँ से जो है लीक हो रहा है और इसका देख सकते हैं ऊपर का जो सिल्वर है ये भी थोड़ा सा फूल गया था, तो ये कंडीशन जो है ये ख़राब कंडीशन है। ठीक है, ये अच्छा कंडीशन नहीं है, तो इसे हम पहले चेंज करेंगे। तो पहले हमें इसे चेंज करना है, उसके बाद देखना है ये काम करता है कि नहीं। देख सकते दो छोटा छोटा पिन है। ठीक है, ये जो दोनों पिन है ये दोनों पिन के साथ ये वाला बड्स हमारा टच होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला बड्स हमारा टच होता है तो ही हमारा ये बड्स जो है काम करता है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर जो है आपको पहले साफ़ करना है। ठीक है, अगर आप इसे खोल सकते हो तो खोल के इसे थोड़ा सा जो आपका सैंड पेपर होता है या आपका जो ईयरबड्स होता है बड्स होता है जिससे आप कान साफ करते हो उससे भी क्लीन कर सकते हो। तो ये दोनों क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो ये डिवाइस है ये काम तो अच्छे से कर रहा है, आपको एक बार दिखा देते हैं। सिर्फ बैटरी लगाना है इसमें, तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन जो है काम कर रहा है देखिए, लेकिन ये चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे यहाँ से खोल देते हैं, उसके बाद इसमें बैटरी लगाते हैं। तो ये जो है ये 500 mAh का बैटरी है, आप 300 mAh का बैटरी भी लगा सकते हैं, 500 mAh का बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको बैटरी लगाना है इसके जगह के हिसाब से। ठीक है, आपको इतना सा जगह में जितना जो भी बैटरी आएगा वो लगाना है। तो देख सकते हैं मेरे पास एक बैटरी है, तो देख सकते हैं ये जो बैटरी है ये बोट का बैटरी है, बोट जो हेडफोन होता है ये 300 mAh का बैटरी है। तो आपको दिखा देते हैं, ये 300 mAh का बैटरी है और 3.7 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बैटरी जो है लगाना है, तो ये बैटरी खोल लेते हैं। तो देखिए ये बैटरी भी अच्छा कंडीशन वाला बैटरी है और इसका बैकअप भी बहुत देर तक रहता है, तो इसे पहले आपको जो है अच्छे से यहाँ पे सोल्डर कर लेना होगा ये दोनों पॉइंट को। यहाँ पे हमारा बैटरी का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे B+, B- है। B+ मतलब आपका जो बैटरी का रेड वायर होता है वो है B+। ठीक है, तो यहाँ पे B+ जो है आपका ये वाला वायर है, तो ये वाला वायर आपको पहले लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नया बैटरी यहाँ पे जो है लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है नया बैटरी लगाना है और यहाँ पे आपको नेगेटिव जो है नेगेटिव वायर को भी आपको यहाँ पे सोल्डर करना है। तो देखिए दोनों जो पॉइंट है मैंने सोल्डर कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सोल्डर करने के बाद आपको इसे फिक्स करना है। तो कैसे फिक्स करना है दोस्तों, जैसे आपका ये सर्किट पूरा लगा हुआ था तो यहाँ पे आपको ये सर्किट पूरा लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैटरी जो है वो लगा दिया है और ये रहा हमारा बड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंसर होता है, जब आप इसका ढक्कन जो ओपन करते हो तो इसका LED जल जाता है, मतलब कौन सा वाला बड्स चार्ज हो रहा है और कौन सा वाला बड्स चार्ज नहीं हो रहा है। जो भी आप अंदर डालोगे तो उस साइड का LED जलेगा, दोनों डालोगे तो दोनों LED दो साइड का चलेगा। ठीक है, और ये चार्ज भी इंडिकेटर करता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ होता है और यहाँ पर भी एक मैग्नेट लगा हुआ होता है। जब मैं यहाँ पे ये वाला देख सकते हो ऊपर का ढक्कन जब लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा LED जलने लगता है और यहाँ पर देखिए बड्स भी हमारा चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा LED जो है वो जलने लगता है। तो इसे खोलते हैं, तो देखिए ये कुछ देर जलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा ये जो नीचे का सेक्शन है वो काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर बड्स का जो LED है वो जल रहा है, तो देखिए अंदर ही इसका जो बड्स का LED है लाल कलर का, तो देखिए वो जल रहा है। ठीक है, तो इसे खोलते हैं, देखते हैं हमारा बड्स जो है वो चार्ज होता है कि नहीं। देखिए ये अच्छे से चार्ज भी हो रहा है और हमारे ये वाला एक साइड में जो बड्स लगा हुआ है वो भी काम कर रहा है।
तो अभी बर्ड्स को चेक करना है कि ये चालू होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका जो स्विच है, पावर स्विच है, उसे ऑन करता हूँ, तो देखिए ये चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है, तो इसे भी आपको खोलना पड़ेगा। तो इसे साइड में रख के, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका जॉइंट है, तो जॉइंट में आपको हल्का सा जो हीट देना है, या तो आप ऐसे थोड़ा सा दबाओगे तो ये भी खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहले मैंने एक बार खोला था जब इसका बैटरी चेंज हुआ था, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी है, और ये भी 3.7 वोल्ट का है और लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा एक छोटा सा बैटरी, तो इसे पहले आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हीट पेपर से ये मोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बैटरी यहाँ पर है, तो इसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसे साइड में रखते हैं इस तरह से, और यहाँ पे मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर में आपको 20 वोल्ट डीसी में सेट करना है, उसके बाद आपको ये जो प्रॉब है, ये प्रॉब दोनों पॉइंट पे लगाना है, तो देखना है कितना वोल्टेज आ रहा है। मिनिमम तो इसमें जो है 3 वोल्ट आना चाहिए, 3.7 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है वो ठीक नहीं है, मतलब हमारा जो बैटरी है इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, देख सकते हैं हमारा जो बैटरी है ये इसमें प्रॉब्लम है, देख सकते हैं इसमें 3.7 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा बैटरी ख़राब है। तो यहाँ पे पहले सिंपल सा आपको जो है ये वाला बैटरी जो है यहाँ पे डिसोल्डर करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला बैटरी जो है मैंने डिसोल्डर कर दिया है, उसके बाद आपको ये बैटरी लगाना है। तो ये रहा हमारा बैटरी, तो इसे आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर, तो यहाँ पे पावर लगाने से मिनिमम 3 वोल्ट से ऊपर होगा, तो देखिए 3.70 वोल्ट है। ठीक है, 3.70 वोल्ट है, तो देखिए ये रहा हमारा 3.70 वोल्ट। ठीक है, मतलब हमारी ये बैटरी ठीक है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, हम रेड वायर जोड़ेंगे और यहाँ पे हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा छोटा सा बैटरी, तो आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं ये रहा छोटा सा बैटरी, और दोस्तों ये जो काम है बहुत ही सेंसिटिव वाला काम है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है आपके सामने ही सोल्डर करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वायर जो है सोल्डर कर दिया है, दूसरा जो वायर है वो भी हम यहाँ पे सोल्डर करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दूसरा जो वायर है उसे भी सोल्डर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो पेपर था इसमें, ये पेपर आपको लगाना है। तो ये पेपर जो है सेफ्टी के लिए है, ताकि दूसरा जो हमारा पार्ट्स होता है, मतलब दूसरा जो कंपोनेंट होता है, उसके साथ हमारा ये बैटरी जो है टच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी को आपको अच्छे से यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैटरी को मैं यहाँ पे अच्छे से बिठा देता हूँ, उसके बाद ऊपर का जो ढक्कन है आपको देख के लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो लगा दिया है। अब हम यहाँ पे स्विच ऑन करके देखेंगे कि ये चालू होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये बर्ड्स है ये चालू हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमारा ये जो बर्ड्स है ये ख़राब था, इसे हमने ठीक कर दिया है, और अब इसे जब चार्ज पे लगाएंगे तो देखते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये बर्ड्स है ये चार्ज हो रहा है। तो देखिए, जब यहाँ से उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो कुछ देर जलते ही हमारा जो बर्ड्स है वो ऑफ हो जाता है। देखिए बर्ड्स ऑफ हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे चार्जिंग जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, जब इसे खोलेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बर्ड्स फिर से ऑटोमेटिक ही चालू हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मैंने इसे रिपेयर कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।